हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने पूछा था कि आपको कोई डाउट है कि आरआरबी पीयू एंड क्लर्क के प्रिपरेशन के रिलेटेड, बिकॉज अभी आरआरबी के नोटिफिकेशन आप सभी को पता है आउट हो चुके हैं एंड फॉर्म फिलिंग की डेट भी जल्दी चल जाएंगी, उसके पहले जल्दी से अप्लाई कर देना। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ डाउट्स। सो बिफोर दैट आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम प्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज एंड सपोर्टिंग मी एंड फॉलो आई होप यू आर फॉलोइंग इट ऑल्सो, बिकॉज फॉलो करूँगे तभी कुछ आपका भी फायदा होगा, अदरवाइज बाकी कुछ भी नहीं। मुझे मतलब मैं नहीं चाहती कि आप बस देखो एंड भूल जाओ, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ही पूरे वीडियोस देखते जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड हम डाउट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैडम ने पूछा है कि लास्ट 60 डेज में प्री और मेंस का स्ट्रैटेजी, तो वो जो भी मैंने स्ट्रैटेजी 90 डेज का शेयर किया है आपको उसी को फॉलो करना है, बस आपको स्पीड अप करना है। जैसे मैंने बोला था कि एक एक वीक फॉलो करो, एक वीक में कंप्यूटर करो, एक वीक में सपोज कुछ भी बैंकिंग अवेयरनेस करो, तो आपको अभी एक वीक तो टाइम नहीं है, तो आपको 4 डेज में या 3.5 दिनों में या 3 डेज में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप कुछ कुछ टॉपिक्स कट ऑन करो उसमें। उसके लिए सेपरेटली मैंने हर एक सब्जेक्ट्स का बताया है कि जीए में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉलो करना है, करंट अफेयर्स में कौन से एंड सो ऑन। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमको एक प्रॉपर प्लान चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो कि चाहिए या नहीं। एंड और एक डाउट था कि मॉक टेस्ट का कैसे, मतलब मॉक टेस्ट मेंस के देने चाहिए या नहीं। तो मेंस के मॉक टेस्ट बिल्कुल देने चाहिए। मैंने 90 डेज़ के प्लान में आपको उसी प्रकार से शेड्यूल बताया था कि प्री एंड मेंस दोनों को बैलेंस करना है, बिकॉज ओनली प्री में तो क्या ही आता है आरआरबी में, कॉन्टेंट रीजनिंग जो कि सभी को आता है। तो अगर आप ओनली कॉन्टेंट रीजनिंग पे फोकस करोगे उसके बाद तो ज़्यादा टाइम हमें मिलेगा नहीं, हार्डली हमें 40 दिन या 50 दिन मिलेंगे आफ्टर प्री, क्योंकि प्री के सपोज 30 दिन बाद या 35 दिन बाद रिजल्ट आएगा एंड आफ्टर दैट 20 डेज मिलेंगे मेंस के लिए। तो टोटल भी देखें तो 60 डेज पकड़ लो चलो, तो फिर भी हमें 60 डेज इनफ नहीं होंगे अगर टोटल हम मेंस की प्रिपरेशन देखें तो। तो इसलिए अभी हमें स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करना है मेंस की एंड मेंस का मॉक दोगे तभी तो आपको रियलाइज होगा कि वेयर यू आर लैकिंग, बिकॉज यहाँ पर तो सिर्फ कॉन्टेंट रीजनिंग आना है, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स ऐसा ना हो कि इग्नोर हो जाए, इसलिए मेंस के मॉक हमें देते रहना है। तो आप वीकली 2 मॉक दो, या फिर अगर आप बिगनर हो तो एटलीस्ट 1 मॉक तो दो मेंस का एंड उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, ताकि जिससे आपको पता चले कि आपके बाकी सेक्शंस में भी क्या वीकनेसेस है। सपोज किसी का इंग्लिश वीक है या अगर हिंदी ऑप्ट किया है तो हिंदी वीक है एंड सो ऑन, तो आप उस पर काम कर सको। इसीलिए मेंस का मॉक देना भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डाउट यहाँ पर था कि मॉक टेस्ट एक ही प्लेटफॉर्म से देना चाहिए या कैसे। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बिगनर हो तो ठीक है, सिंगल प्लेटफॉर्म पे दो एंड बाकी प्लेटफॉर्म्स के फ्री वाले मॉक टेस्ट तो भी दो। बट अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा खासा चल रहा है तो एक ही मॉक टेस्ट, एक ही प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट पे भरोसे मत बैठो। आप मिनिमम 2 मॉक टेस्ट के प्लेटफॉर्म यूज़ करो, बिकॉज अभी मैडम बोल रही है कि टेक्स्टबुक यूज़ करती है, तो टेक्स्टबुक बिगनर्स के लिए ओके, बट अगर आप मीडियोकर हो, मतलब मीडिएटर हो, या फिर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, प्री वगैरह क्रैक कर चुके हो 1-2 बार इससे पहले वाले एग्जाम शेड्यूल्स में, तो फिर आपने ऐसे एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर नहीं रहना है, आपको थोड़े हार्ड वाले प्लेटफॉर्म जो कि गाइडली या ऑलिव बोर्ड वगैरह, इस पर भी मेरा अच्छा एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको जाके देख सकते हो एंड आपके प्रिपरेशन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अभी कौन से लेवल का मॉक टेस्ट देना चाहिए। बिकॉज ऐसा भी ना हो कि बिगनर है तो गाइडली दे दे रहे हो एंड कॉन्फिडेंस लो कर ले रहे हो, या फिर अच्छा प्रिपरेशन हो गया है तो भी टेक्स्टबुक में ही खुश हो, ऐसा नहीं करना है हमें। तो हमें हमारे प्रिपरेशन के हिसाब से मॉक टेस्ट देना है, तो उसके लिए आप वो डिटेल वीडियो में पिन डाउन कर दूंगी कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, तो आप देख लेना। एंड फ्री मॉक्स तो ज़रूर देना, चाहे आपके पास मॉक का कोई सब्सक्रिप्शन हो या ना हो, सभी के लिए ये बिगनर हो या प्रो, मतलब जो भी उनका अच्छा चल रहा है वो, तो फ्री मॉक्स सारे प्लेटफॉर्म के देना, ताकि आपको सारे प्लेटफॉर्म का इंटरफेस समझ में आए, इंटरफेस पता चले एंड जो भी आपको फिर लगे कि नहीं ये इंटरफेस अच्छा लग रहा है मुझे, ये इंटरफेस एग्जाम से ज़्यादा अच्छा मिलता जुलता है मुझे, अगर इस पर प्रैक्टिस करूँगी तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वैसा फिर इंटरफेस आपने वो वाला मॉक टेस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मेंस कैसे प्रिपेयर करें। तो मेंस प्रिपेयर करने के लिए मैंने शेड्यूल शेयर किया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लो। एंड मेंस की प्रिपरेशन ऐसे कुछ अलग नहीं होती है कि प्री की अलग मेंस की अलग, जो प्री में आना है वही टॉपिक्स मेंस में आने वाले हैं। लाइक बैंकिंग का सिलेबस तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्री के लिए अलग है मेंस के लिए अलग है, बस सब्जेक्ट्स 1-2 एक्स्ट्रा हो जाते हैं जैसे कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस ये सब वगैरह। बट अगर प्री के कॉमन बड़े बड़े जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, कॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश, तो ये सब्जेक्ट्स तो जो प्री के लेवल के होते हैं वही मेंस में भी आने वाले हैं सब्जेक्ट्स टॉपिक्स, बस उसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो हमें मेंस की प्रिपरेशन अगर करनी है तो जो भी हम प्री के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके थोड़ा सा मीडियम लेवल या हार्ड लेवल के टॉपिक्स या सब्जेक्ट टॉपिक्स या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही मेंस का आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। एंड उसके साथ मिनी मॉक्स वगैरह देना है, प्रैक्टिस मॉक्स, स्मार्ट कीड़ा, हर जगह अड्डा पर हर जगह मॉक्स अवेलेबल होते हैं, मिनी मॉक्स या क्विजेस बोलते हैं हम जिसे, तो वो अवेलेबल होते हैं, तो वो टाइम टू टाइम हमें देना है मेंस लेवल एंड प्री लेवल, ऐसे डिस्टिंग्विश भी होते हैं, ऐसा भी नहीं कि मिक्स होकर स्मार्ट कीड़ा से या प्रैक्टिस मॉक्स से आप मिनी मॉक्स दोगे या क्विजेस दोगे तो वहाँ पे तो बहुत अच्छे से प्री लेवल के अलग मेंशन होते हैं, मेंस लेवल के अलग मेंशन होते हैं, तो वो सारे क्विजेस वगैरह आपको देते चलने। एंड उसके साथ ही मॉक्स वगैरह वीकली वंस तो भी एटलीस्ट देना है एंड प्रैक्टिस से पीडीएफ से प्रैक्टिस करते चलनी है। तो पीडीएफ के प्रैक्टिस के लिए भी मैं सजेस्ट करूँगी कि एग्जाम पंडित के फ्री पीडीएफ से, या फिर आपको पेड खरीदने तो गाइडली से आप पेड वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हो पीडीएफ के लिए।
तो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कोर्स लेना चाहिए या नहीं मेन्स से या यूट्यूब से चल जाएगा, ये बहुत वैलिड एकदम लेजिट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को ये डाउट होता है। तो देखो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मतलब ओपिनियन है या मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि यूट्यूब से नहीं होगा, पूरे हद तक मेन्स क्रैक होने तक आपका नहीं होगा। अगर अगर आपने कुछ ऑफलाइन कोचिंग वगैरह ली है एंड आपका अच्छा अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक्स को रिलेटेड, आपको बस ऐसे प्रैक्टिस पर्पज़ या आप PDF से भी पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो रेगुलरली एंड आपको बस ऐसे थोड़ा सा नहीं क्या रिफ्रेशमेंट के लिए या फिर थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए टॉपिक्स को आप यूट्यूब की हेल्प ले रहे हो, तो वो बात अलग है। बट जो अगर टोटली बिगनर्स है जिन्होंने कुछ भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं की, कहीं पे ऑनलाइन कोचिंग नहीं की, तो वो ओनली यूट्यूब के भरोसे पे मेंस नहीं निकलेगा ऐसे मुझे लगता है। बिकॉज अगर यूट्यूब पे ही मेंस निकलने होते तो बाकी सारे जो प्लेटफॉर्म्स है जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है वो नहीं चलते ना, एंड उनके पेड कोर्सेज चलते ही नहीं। तो इसीलिए फ्री कोर्सेज तो नहीं मतलब इतने सोर्सेज हमें अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, एंड अगर आप होगे भी तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा उसको ढूंढने में। तो इसके लिए हम ये सब ये सोच सकते हैं कि सब कुछ तो नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, एंड फिर टाइम वेस्ट करने के बाद कोई सब्सक्रिप्शन लो फिर उससे अच्छा तो हम पहले डायरेक्टली ले लें। एंड ऐसा नहीं मतलब बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल वगैरह, तो लोग फिर एक दो लोगों के साथ मिलके ले सकते हैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ, बिकॉज फिर एट अ टाइम तो हम सब लोग नहीं पढ़ेंगे, तो आप लोग वैसा एडजस्ट कर सकते हो। बिकॉज मैंने भी जब अनअकैडमी खरीदा था तो दो लोग एलिजिबल थे एट अ टाइम लॉगिन करने के लिए उस वक्त, अभी शायद एक ही है, एक PC एंड एक लैपटॉप एक मोबाइल ऐसा कुछ है। तो उस वक्त फिर हम दोनों मेरी फ्रेंड एंड मैं हम दोनों पढ़ते थे यूट्यूब से, निमिषा मैम को लिए मैंने लिया था तब। तो इसीलिए आप ऐसा कुछ सोच सकते हो जिससे आपका मतलब ज़्यादा मनी भी ना इन्वेस्ट हो एंड आपका टाइम भी ना वेस्ट हो बाकी फ्री सोर्सेज ढूंढने के चक्कर में। बिकॉज फ्री सोर्सेज से आप प्री निकाल लोगे, मीन्स भी काफ़ी हद तक अच्छा अटेम्प्ट कर लोगे, बट आपको पेड कुछ ना कुछ लगेगा। या तो फिर यूट्यूब पर पूरा डिपेंडेंट हो तो पेड वाले PDF खरीद लो एंड PDF से प्रैक्टिस करो। अगर आपको लग रहा है कि PDF अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं, कुछ भी एक्सटर्नल एडिशनल मुझे टीचर्स की सपोर्ट की जरूरत नहीं है या कुछ भी अलग कॉन्टेंट नहीं चाहिए, तो आप डेफिनेटली फिर फ्री में देख सकते हो। बट अगर प्रॉपरली आंसर दिया जाए कि यूट्यूब से चल जाएगा तो नहीं चलेगा, यूट्यूब से तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि पूरा प्री एंड मेंस में सिर्फ यूट्यूब से निकालूं तो ये नहीं होगा। जो बताते हैं कि हो सकता है फिर देन वो टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे आप 1 साल में 1.5 साल में सिलेक्शन ले सकते हो आपका हो सकता है फिर वो टाइम बढ़ जाए 2 साल 2.5 साल। तो मुझे ऐसा लगता है टाइम बढ़ाने से बेटर है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट हम कर दें। नेक्स्ट जो है कि प्री में अटेम्प्ट हो रहे हैं एंड एक्यूरेसी वगैरह नहीं आ रही है इनकी, तो कभी आती है कभी नहीं आती है। तो एक्यूरेसी के लिए हमेशा हमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज एक्यूरेसी कैसे होती है कभी कभी हमारी इफेक्ट हो जाती है। अभी बैंक का एक तो ये फ़ायदा है कि हमारा कुछ सिलेबस डिफरेंट आना है नहीं, तो जो अभी आ रहा है वही बाद में आएगा मेंस में भी। तो एक्यूरेसी हमें मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस टॉपिक वाइज करना है एंड उनके प्रॉपर सेक्शनल मॉक देने, चाहे क्वांट के हो, रीजनिंग, इंग्लिश, जो भी GA हो या फिर कंप्यूटर चाहे क्यों ना हो, तो आपको सेक्शनल मॉक्स टाइम टू टाइम देने हैं। बिकॉज अगर आप टोटल मॉक देते हो जब एक हमारा वीक सेक्शन छुप जाता है एंड अगर वीक सेक्शन ही ईजी आ रहा हो तो फिर हमारा लॉस हो जाता है। एंड जो हमें आता है, सपोज हमने रीजनिंग बहुत प्रैक्टिस की बट एग्जाम में रीजनिंग ने ही पूरा गड़बड़ कर दिया, रीजनिंग इतना टफ आ गया कि सभी से नहीं हो पा रहा है, तो उस वक्त आप पैनिक कर जाओगे कि अरे यार क्वांट भी नहीं आता है एंड रीजनिंग जो आता है वो भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमें सारे टॉपिक्स को ले सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है, तो जिसके लिए सेक्शनल मार्क्स देना बहुत ज़रूरी है। एंड एक्यूरेसी के लिए एक ही है कि आप सेम रिपीट मिस्टेक्स रिपीट मत करो, जो मिस्टेक्स आपसे हो गई है उसका प्रॉपर एनालिसिस करके वो टॉपिक को फिर से पढ़ो, अगर ज़रूरत है तो फिर से उसके 10-20 क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन दूसरे मॉक दो, तभी आपका एक्यूरेसी मेंटेन रहेगा। एंड बिल्कुल तुक्के तो मतलब प्री में तो तुक्के मारने लायक है ही नहीं, बट मीन्स भी अगर दे रहे हो तो GA क्यों ना हो आपको जितना आता है उतना ही करो। एंड अगर तुक्के मारने भी है तो 5 या 10% से ऊपर मत मारना, मतलब अगर आप GA में 25 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो आप हार्डली 5% मतलब उसका जो भी है 2 या 3 क्वेश्चन आप मार सकते हो तुक्के 10% उसका, अदरवाइज ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब तुक्के भी नहीं मारना, ताकि ऐसा ना हो कि 25 सही थे एंड 15 बाकी के गलत कर दिए तो फिर वो इफेक्ट हो जाएगा एक्यूरेसी। एंड नेक्स्ट जो था कि मोबाइल पे मॉक देने से क्या मतलब कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, तो इनका मुझे टेलीग्राम पे भी आया था, मैंने वहीं पे भी रिप्लाई किया था कि हाँ थोड़ा सा तो इफेक्ट हो सकता है बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, वो अपने माइंडसेट पे डिपेंड करता है। क्योंकि अभी मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मोबाइल से ही पढ़ के निकाला है, एंड काफ़ी लोग ऐसे भी है कि लैपटॉप्स वगैरह अवेलेबल होने के बाद भी उनको वो मोबाइल थोड़ा हैंडी होता है ना, क्योंकि लैपटॉप खोलो एंड प्रॉपर एक टेबल पे सीट मतलब बैठो ऐसा वगैरह, बहुत लोग वैसा अवॉइड करते हैं, उनको ऐसा ऑन द गो चाहिए कि ऐसा हम घूमते फिरते प्रैक्टिस कर ले या फट से मोबाइल में देख ले क्वेश्चन वगैरह, तो मोबाइल में भी बहुत लोग करते हैं। बट ट्राई करो कि आप मोबाइल को ऐसा हाथ पे पकड़ के सॉल्व मत करो, जिससे कि क्या होगा ना एग्जाम में तो हाथ में नहीं पकड़ सकते PC को, तो उस वक्त थोड़ा सा फिर आपका स्लो हो जाएगा स्पीड, तो उस चक्कर में आपको लगेगा अरे स्लो हो रहा है, अभी तक मॉक में तो मेरे 40 हो जाते हैं, यहाँ पे 30 ही हुए, ऐसा वगैरह ना हो। इसलिए आप मोबाइल को प्रॉपर ऐसे दीवार से चिपका के ऐसे रखो स्टेबल एंड फिर सॉल्व करो। एंड ट्राई करो कि आप मतलब ऐप में सॉल्व ना करते हुए डेस्कटॉप साइट पे जाके सॉल्व करो, जो भी सपोज ऑलीवुड का मॉक दे रहे हो तो ऑलीवुड की डेस्कटॉप साइट पे जाके क्रोम ब्राउजर या जो भी ब्राउजर में ओपन करके आप सॉल्व करो, ताकि वो आपको पूरा एक क्वेश्चन का इंटरफेस देखे। क्योंकि बहुत बार ऐसा मोबाइल में ना वो DI वगैरह का अलाइनमेंट थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो हम मस्त हाथ से स्क्रॉल कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए फ्लेक्सिबल होता है प्रैक्टिस के वक्त बट उतना कन्वीनियंट नहीं होता है। बट अगर आप मोबाइल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे बहुत अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हो एंड ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, आप एक दो बार ऐसे डेस्कटॉप मोड पे देख के देखना अगर आप टोटली मोबाइल से कर रहे हो, ताकि आपको एक रियल एग्जाम का इंटरफेस दिख के आए कि लैपटॉप में या PC में कैसे दिखेगा। बाकी
ये है कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर, हाउ टू इम्प्रूव स्कोर। तो स्कोर इम्प्रूव करने के लिए मैं यही बताऊंगी मॉक में, जैसे आरआरबी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आरआरबी में सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है, कंपोजिट टाइम होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि मॉक हो या रियल एग्जाम, आप सेक्शन वाइज मत जाओ। जो आपको ईजी पहले आते हैं, जो टॉपिक्स आपको हमेशा आपकी एक्यूरेसी जिसमें 100% रही है, वो टॉपिक सॉल्व करो। एंड वो टॉपिक सॉल्व करो तो वो टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे, ऑब्वियसली जब मॉक्स दोगे आप एग्जाम के पहले, तो उसके एनालिसिस से पता चलेंगे आपको कि हमारे ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, वगैरह वगैरह। एंड उसको इम्प्रूव करने के लिए फिर आपके मिस्टेक से आपको सीखना है। ऐसा मत नहीं करना है कि आज जो मिस्टेक की देखा छोड़ दिया, कल दूसरे दिन वही मिस्टेक कर दिया, तो वैसे तो इंप्रूव होना ही नहीं है कभी भी। तो आपको हमेशा अपने मिस्टेक से सीखना है। एंड जो भी हमारा टाइम टू टाइम सेक्शन मॉक क्विजेज वगैरह देते हैं हम, उसको देते रहना है कंटिन्यूअसली। एंड बिल्कुल भी कोई टॉपिक को स्किप नहीं कर देना है कि हाँ ये टॉपिक, मतलब सब्जेक्ट्स को, कि सपोज मैं आज रीजनिंग ही पढ़ रहा हूँ, तो रीजनिंग डेली बेसिस पे आपको रेगुलरली दोनों टॉपिक्स को बैलेंस करना है, अगर प्री की बात है, एंड बाकी सब्जेक्ट्स भी बैलेंस करते चलना है। एंड स्पेशली इसके लिए कॉन्ट के लिए तो मैंने शेयर किया है शॉर्ट नोट्स वगैरह, तो टाइम टू टाइम आप उसको रिवाइज करोगे। तो मैंने कहा है वहाँ पे कि अगर 10 डेज तक आप इसको रिवाइज करोगे तो 11th डे को आपको डेफिनेटली बहुत डिफरेंस दिखेगा। एंड कॉन्ट में स्पीड बढ़ाने के लिए तो फिर स्पीड मैथ्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी आप एटलीस्ट 10 दिन तक बाय हैंड लिखो स्क्वायर क्यूब टेबल परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज। एंड 10 दिन के बाद से फिर आप स्किप कर सकते हो लिखना, एंड बस मेमोराइज करो उसको विदाउट पेन एंड पेपर, मेमोराइज करो तो आपकी अच्छी स्पीड बढ़ जाएगी कॉन्ट में। एंड रीजनिंग में तो ओनली प्रैक्टिस हेल्प्स, तो प्रैक्टिस करते जाइए। एंड डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स, उसके लिए एनालिसिस करना एंड लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक अगर गलत भी हो रहा है तो उसके फिर फट से उठा के 20-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, 2-4 क्विजेस दे देना, ताकि वो टॉपिक आपका इतना पक्का हो जाए कि हाँ अभी इस नेक्स्ट टाइम में इसकी गलती नहीं होनी चाहिए करके। ये हो गया नेक्स्ट हमारा था कि इंग्लिश और हिंदी ऑप्शन। हाँ ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंग्लिश और हिंदी ऑप्शन होता है मेंस में, तो एग्जाम जब फॉर्म फिल करते हैं तब तो हमें कुछ ऐसा सिलेक्ट नहीं करना होता है, हमें वो ऑन टाइम डिसीजन लेना होता है। जब भी हम, मतलब दोनों सेक्शन, जब आपका मेंस ओपन होगा ना, आपको दोनों सेक्शन दिखेंगे, इंग्लिश भी दिखेगा, हिंदी भी दिखेगा, ऊपर में सारे सेक्शन दिखेंगे। वो आप पर है कि आप कौन सा सेक्शन सिलेक्ट करते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने हिंदी सिलेक्ट कर लिया एंड हिंदी में मैंने 5-6 क्वेश्चन देख लिए, एंड उसके बाद मुझे ऐसा लगा नहीं यार हिंदी नहीं जम रहा है मुझसे, तो मैं इंग्लिश में जाती हूँ। तो अगर मैंने इंग्लिश पे स्विच किया, मैं स्विच भी कर सकती हूँ, अगर मैंने इंग्लिश पे स्विच किया तो जो भी मैंने हिंदी के क्वेश्चंस 5-6 टिक किए थे वो जीरो हो जाएंगे। मतलब मैं फिर से इंग्लिश से हिंदी में वापस आ सकती हूँ। अगर मैं फिर से इंग्लिश सेक्शन पे गई, वहाँ पे मैंने 2-4 सॉल्व किए, वहाँ पे सेक्शन देखा, उसके बाद मुझे लगा नहीं बहुत डिफिकल्ट है, हिंदी बेटर था, मैं फिर से वापस हिंदी पे जब आऊँगी तो हिंदी के भी जीरो हो जाएंगे एंड इंग्लिश के भी जीरो हो जाएंगे। तो वो टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले से डिसाइड करो कि आपको कौन सा लैंग्वेज सिलेक्ट करना है एग्जाम में, हिंदी या इंग्लिश। ये मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, एग्जाम के मोड ऑफ लैंग्वेज की बात नहीं कर रही हूँ मैं। वहाँ पे तो आपको दोनों लैंग्वेज दिखेंगे, इंग्लिश तो दिखेंगी एंड डिफॉल्ट जो स्टेट लैंग्वेज है वो तो दिखेगी, दोनों लैंग्वेज दिखेगी, बट इंग्लिश एंड हिंदी सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ ये। तो अगर आपने पढ़ाई की है हिंदी की, या आपका मतलब ग्रेजुएशन वगैरह हिंदी बैकग्राउंड से है, तो ही हिंदी के लिए जाओ। अदरवाइज मोस्टली ऐसा होता है कि हिंदी टफ ही आता है, एंड बोलने वाला हिंदी हमारा, हमको लगता है कि हिंदी कर लेंगे, बट जो लिखने वाला हिंदी होता है या जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि हम इतना एकदम टिपिकल हिंदी वाले शब्द तो बात नहीं करते हैं ना। तो इसीलिए अगर आपका कॉन्फिडेंस है उसमें, हिंदी में आपका ग्रेजुएशन है या आपको नॉलेज है, आप कर सकते हो, तो ही हिंदी ऑप्ट करना। अदरवाइज इंग्लिश तो सजेस्टेबल रहेगा कि इंग्लिश को ही थोड़ा फोकस करो अभी से, क्योंकि इंग्लिश इतना कोई टफ नहीं आता है जैसे बाकी एग्जाम्स में आता है। बिकॉज यहाँ प्री में नहीं आता है, तो डायरेक्टली प्री से थोड़ा हल्का लेवल अबाउ कर दिया है तो मेंस में आ जाएगा। लाइक SBI PO का प्री भी पकड़ लो आप, तो उतना ही लेवल का आ जाएगा RRB PO मेंस में। एंड अगर पूरा सेक्शन भी ईजी नहीं आया तो भी 50% सेक्शन तो आपसे सॉल्व हो ही जाएगा। तो ये था इंग्लिश हिंदी का, बाकी ऐसा था, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, बट ठीक है, सारे क्वेश्चंस डिटेल में लेने थे मुझे। बाकी ये था कि हाउ आई प्रिपेयर बेसिक विच यूट्यूब क्लास, यू कैन सी, अच्छा आई कैन सी। तो यूट्यूब क्लासेस पे अगर आपको देखना है तो यूट्यूब क्लासेस मैंने कहाँ पे लिखे यार, मैंने लिख के रखे थे सब कुछ। तो यूट्यूब क्लासेस अगर देखने हैं तो मैं बता देती हूँ, जैसे बेसिक के लिए क्वांट के लिए मैंने सजेस्ट किया अरुण सर, अरुण सर का देखिए एंड उनके DI वगैरह, स्पेशली स्पीड मैथ्स वगैरह। एंड सुमित सर जो बैंकिंग वाला चैनल पे पढ़ाते हैं, आशीष अरोरा सर वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बेसिक से, बट उनका थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा टफ लगता है मुझे, मतलब क्वेश्चन का कंटेंट अच्छा होता है। तो अगर बहुत जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले अरुण सर को, देन सुमित सर को, फिर आशीष सर के पास जाओ। एंड रीजनिंग में तो अंकुश लांबा सर है, सचिन आदेकर सर है, स्टडी स्मार्ट करके एक सर चैनल है, वहाँ पर भी एक सर है जो भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, जैसे इनइक्वालिटी वगैरह तो मैंने उन्हीं से पढ़ा था, तो मुझे बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म तक याद रह गया वो, अभी भी याद है उनके कॉन्सेप्ट। तो ऐसे सर लोग हैं। एंड इंग्लिश के लिए भी आप अड्डा पे उदिशा मैम को, या सबसे बेस्ट तो निमिषा बंसल मैम है, मेरी फेवरेट है वो, तो आप उनको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा A to Z उनको फॉलो कर सकते हो हर चीज़ के लिए इंग्लिश में। एंड बाकी बहुत सारे टीचर्स है, विशाल परिहाल सर है, बहुत सारे टीचर्स है, तो आप इनको यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपको यूट्यूब पे इनका पसंद आता है तभी फिर आपको पता ही चल जाएगा 1-2 क्लासेस में कि आपको इनका टीचिंग पसंद आ रहा है या नहीं, नहीं तो फिर आपको सजेशंस में ढेरों वीडियो तो आते ही जाएंगे। बस एक्सपेरिमेंट करना है हमको बिल्कुल, हमें ऐसे स्टबन नहीं रहना है कि हो सकता है ना जो टीचर मुझे पसंद आया हो, जिसका टीचिंग मुझे समझ में आया हो, आपको समझ में, ऐसा जरूरी तो नहीं है। इसलिए ब्लाइंडली किसी के भी सोर्सेज मत फॉलो करो, आप अपना भी देखो, मतलब फॉलो करना भी अच्छी बात है, बट उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए कि आप बस अपना भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या फिर आप भी फ्लेक्सिबल हो कि नहीं समझ रहा है टीचर का तो छोड़ो यार, दूसरा टीचर देखते हैं,
क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, अब ये तो फेमस टीचर्स हैं इनके नाम पता है, बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हैं जो इतने फेमस नहीं है बट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका टीचिंग स्किल्स अच्छा है, तो आप उनको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन था कि आरआरबी पीओ मीन्स के डीआई ड्यूएबल होते हैं क्या? बिल्कुल ड्यूएबल होते हैं, बिकॉज अभी किए हैं यार, किए हैं, जॉब लिए है तो डुएबल तो है, बट आपको ना डीआई की बहुत प्रैक्टिस लगती है, बिकॉज कैसा कंपोजिट टाइम है तो हम ना डीआई मतलब इजी इजी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इजीली ऐसा अच्छा टाइम देके सारे डीआई सॉल्व कर सकते हैं, अच्छा स्कोर ले सकते हैं। एंड पजल्स के लिए भी सेम, बिकॉज इंग्लिश जो बाकी सब्जेक्ट्स है उनका अगर हमने थोड़ा थोड़ा कम भी कर लिया एंड रीजनिंग एंड क्वांट में थोड़ा लीड ले ली तो सिलेक्शन पक्का है समझो, तो इसलिए डीआई की प्रैक्टिस के साथ वो आएगा। तो डीआई के लिए भी ऐसा है कि ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से ही आएगी, तो दो मेंस के मॉक दो, उसमें से आप उसको प्रॉपर एनालिसिस करो। मेंस के डीआई के लिए आप यही करो कि चाहे वीकली एक मॉक दो या फिर 2 वीक में 2 मॉक दे दो या 1 वीक में ही 2 दे दो, एंड उसका प्रॉपर प्रॉपर एनालिसिस करो, आपको समझ जाएगा। जो क्वेश्चंस नहीं आए उसको फिर बाद में सॉल्व करो, एंड बाद में भी जब आप एनालिसिस भी करते हो तो विद टाइमर सॉल्व करना, आपके मोबाइल में टाइमर लगाना या वॉच में वगैरह, एंड देखना जितना टाइम लगे लगने दो, 1 घंटा 2 घंटा कितना भी टाइम लगने दो, बट सॉल्व करो उसको पूरी तरह से, एंड नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वीडियोज़ वगैरह देखो। एंड डीआई मेंस के डीआई इंप्रूव करने का और एक तरीका होता है, अगर आपके पास पेड कोर्स है तो आप वो कोर्स के वीडियोस जाके देख सकते हो, पहले पॉज कर देना फिर खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, अगर आपसे सॉल्व हुआ तो ओके, अगर आप कहीं पे अटक गए तो फिर वीडियो को रिज्यूम करके आप देख सकते हो कि वो टीचर ने पर्टिकुलरली किस वे से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया या कौन सा ऐसा पॉइंट था जो आपको क्लिक नहीं हुआ। एंड सिमिलरली अगर फ्री भी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे भी, तो आप यूट्यूब डीआई मेंस लेवल डीआई फॉर आरआरबी पीओ ऐसा डालो या एसबीआई पीओ, जो भी एग्जाम डालना है, एंड जो भी वीडियोस आएंगे तो आप उसको पहले वो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो खुद से, अगर आता है तो ठीक, अगर कहीं पे अटक जाओ तो फिर रिज्यूम करके देखना, बट ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वीडियो देखते ही बस देखते ही रह रहे हो, खुद से प्रैक्टिस करना ही है पॉज करके, बिकॉज वीडियो देखने से ओनली ना हम ऐसा होता है कि टीचर पर डिपेंडेंट हो जाते हैं एंड हम अपना दिमाग नहीं चलाते, हम देखते हैं कि अच्छा ओके टीचर ने बता दिया ना, तो हमारा क्रिएटिविटी अंदर ही छुपे रह जाता है, तो वो एग्जाम में फिर हमने लॉस में जाते हैं हम थोड़ा, तो इसीलिए पहले से ये करना है। एंड मॉक के वीडियो मैंने जो फॉलो किए थे वो थे कि ऑलिव बोर्ड एंड स्मार्ट कीड़ा के मॉक्स मैंने दिए थे, ये एक्चुअली डीआई के साथ साथ मेंस के मॉक्स का भी मैं बोल रही हूँ कि दो एंड दो ही मेंस में भी देती थी वीकली भी, 2 ही मेंस वो भी लास्ट में देती थी, जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मेंस का एक ही मॉक देती थी मैं वीक में, एंड उसका प्रॉपर एनालिसिस करती थी ईच एंड एवरी क्वेश्चन का, तो 2 मेंस इनफ होगी मैम अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है तो, सर जो भी होंगे। एंड या इतना ही था कि बस आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड अगर आप मतलब आपको प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम है तो वीडियोस के साथ प्रैक्टिस करो, बस पॉज कर देना एंड खुद से सॉल्व करना। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है कि वो बोल रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इन एग्जाम क्या होनी चाहिए, तो टाइम मैनेजमेंट से मैं समझ पा रही हूँ कि इनको एग्जाम का जो भी है शेड्यूल 2 घंटे का उसका पूछ रहे हैं, तो मेरा ऐसा था कि मैं कभी भी सेक्शन वाइज मैंने सॉल्व नहीं किया ना मॉक में ना एग्जाम में, बट ये हम कब डिसाइड करेंगे, इसके पहले ना आपको जब भी आप मॉक्स देते हो तो 2-3 बार आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, आपको 2-3 अलग अलग वे से मॉक दे के देखना है कि चलो मैं पहले सेक्शन वाइज कर लेता हूँ तो मुझे कितना मतलब कितना मेरे को परसेंटाइल आ रहा है, क्या मेरा अटेम्प्ट हो रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करोगे तो ऐसा ट्राई करो कि जो क्वेश्चंस पहले आते हैं वो पूरे सॉल्व कर दो, उसके बाद फिर सारे क्वेश्चन बाकी के देखो, तो ऐसा सॉल्व करो, या तीसरा अटेम्प्ट जो भी है कि पहले जीए वगैरह मत सॉल्व करो, पहले रीजनिंग पे चले जाओ फिर क्वांट, ऐसा कर सकते हो आप। तो मेरा ऐसा था, फिर ये सब करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो ही सॉल्व करो एंड उसके बाद ही फिर बाकी पे जाओ, तो मैं ऐसे 2-3 साइकिल में चलाती थी अपने एग्जाम को, स्पेशली आरआरबी में, तो आरआरबी पीओ या क्लर्क में मेंस के लिए, तो मैं ऐसा करती थी कि पहले मुझे जितना आता है सब कुछ 30 मिनट्स में सब हो जाता था, जीए एंड कंप्यूटर तो 30 मिनट्स में पूरा कंप्लीट हो जाता था, क्योंकि उसको बाद में देखने की जरूरत नहीं, एक दो ही अगर डाउट है तो उसको मार्क फॉर रिव्यू हम करके रख सकते हैं, एंड उसी के साथ थोड़ा बहुत इंग्लिश भी हो जाता था, तो अगर 40 मिनट्स देखे तो जीए कंप्यूटर इंग्लिश ये तीनों सेक्शन आप निपटा सकते हो, एंड उसके बाद फिर बाकी के सेक्शन 2 सेक्शन देख सकते हो बाकी बचे 80 मिनट्स में, तो उसमें भी हमें सेक्शन वाइज नहीं जाना है, जो क्वेश्चंस पहले आते हैं वो करना है, बिकॉज ऐसा होता है कि आपका पहला सेक्शन अगर क्वांट खुला है तो अगर आप क्वांट को ही लेके बैठ गए एंड अगर हो सकता है रीजनिंग इजी आया हो, बिकॉज पेपर तो ओवरऑल तो टफ नहीं आता है ना, कुछ ईजी कुछ हार्ड आता है, तो हमें उस वक्त वही लोग ज़्यादा एक्सेल कर पाते हैं या ज़्यादा मार्क्स लेके चल जाते हैं, जो लोग ना प्रॉपर ऑन टाइम डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें ये करना है वो करना है, तो उसके लिए ऑन टाइम डिसाइड तो एकदम सोचना नहीं है, ऑन टाइम डिसाइड करना है, सोचना हमें पहले ही है जब हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, तो इसीलिए मैं ऐसा करती थी कि पहले पूरे जितना आता था उतना सॉल्व कर लेती थी, उसके बाद फिर मैं सेकंड राउंड में जो भी थोड़े बहुत हल्के हल्के आते थे या फिर जो पढ़ने के बाद समझ में आ रहे हैं कि ओके ओके ऐसा करने से हो जाएगा वैसा करती थी, एंड देन लास्ट राउंड में फिर जो थोड़े टफ क्वेश्चन, बट लास्ट के 10 मिनट्स जो बचते थे एग्जाम में मैंने कभी भी डीआई एंड पजल कभी नहीं किया, मेंस में भी, मॉक में भी एंड रियल एग्जाम में भी, बिकॉज लास्ट के 10 मिनट्स में ऐसा होता है कि हम ऑलरेडी पैनिक करते हुए कर रहे होते हैं कि अभी बस एग्जाम खत्म होने वाला है, हमारा इतना हुआ, हमारा पता नहीं किसका कितना हुआ, ये वो, तो उस चक्कर में जो एक दो मार्क्स वाले क्वेश्चन अगर हम उठाएंगे तो हमारे इजीली हो जाएंगे, बिकॉज मेंस का डीआई उठा लोगे आप एंड वो नहीं हुआ 10 मिनट में तो आपके 10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, उससे अच्छा अगर आप एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लोगे तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन भी बने तो आपके 2 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे ना, तो इसलिए लास्ट के 10 मिनट्स में कभी भी कुछ भी बड़े बड़े क्वेश्चन दिया या पजल मत उठाना। एंड इसमें आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिटेल में और बताना चाहिए था मुझे, मतलब वीडियो मैंने बनाया बनाना चाहिए इस पर, तो वो देखते हैं अगर
लगता है बहुत लोगों का डाउट ऐसा आता है, तो मैं एक टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगी ज़रूर, या फिर मैं अपना एक मॉक देके भी शेयर कर सकती हूँ, बट उतना लंबा मॉक फिर उसको स्पीड अप करके कुछ मतलब नहीं होता है, एंड अगर टोटल टाइम का डालूँ तो उतना लंबा कोई वीडियो देखेगा भी नहीं, आई नो। तो यही बेसिक थिंग्स आप ऑप्ट करो, आप अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए आप प्रैक्टिस जब करते हो, जब भी मेंस के मॉक देते हो तो एक्सपेरिमेंट करो, एंड एक टाइम के बाद आपको 5-6 मॉक देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये वाला अप्रोच है जो मेरे लिए बेस्ट वर्क करता है, तो वही अप्रोच से फिर आगे बढ़ना है। एंड बस यही है, बाकी जब भी मॉक दो तो आपको आपके वीकनेसेस रियलाइज़ करनी है कि ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ये वीकनेसेस है, तो आपके एग्जाम में आप पहले स्ट्रॉन्ग वाला सॉल्व कर लो, जो भी आपका स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रेंथ है ब्लड रिलेशन, आपको बहुत अच्छे से आता है तो वो कर लो, या डायरेक्शन डिस्टेंस बहुत अच्छे से आता है, तो जब भी रीजनिंग का सेक्शन खुलेगा तो पहले उसी क्वेश्चन पे भागना है हमें, एंड बाद में फिर जो भी टॉपिक्स नहीं आते, लॉजिकल रीजनिंग नहीं आता तो उसको साइड में रखो, फिर उसको लास्ट में देख लेना, ऐसा करना है। तो ये सब आता है प्रैक्टिस के वक्त एक्सपेरिमेंट करने से, तो कीप एक्सपेरिमेंटिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हुए हो, वीडियो बहुत लंबा हो गया है बट सबको सुनोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आप ही के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम वेल प्रैक्टिसिंग।